हेलो एवरीवन, इंफॉर्मेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं RTU मतलब रिमोट टर्मिनल यूनिट एंड हमारे PLCs मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। तो इसमें देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑटोमेशन की फील्ड के अंदर हम या हम कहते थे PLC स्काडा के अंदर हम PLC RTU दोनों का हम यूज़ करते हैं हम ऑटोमेशन फील्ड के अंदर। तो यार कौन सी चीज़ क्या बेटर और मतलब यह मतलब दोनों चीज़ों में क्या मेन डिफरेंस है, तो इन दोनों जानने से पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यार अपने अकॉर्डिंग ये डिफरेंस जानने से पहले हम ये भी जान लें कि यार ये दोनों है क्या। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में कंटेंट लिखा हुआ, मैंने पहले की वीडियो में भी पहले समझाया था इसके बारे में, पर मैं अब यहाँ डिफरेंस बताऊँगा। तो RTUs रिमोट टर्मिनल यूनिट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल्ड बाय माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर, देयर मेन फंक्शन इज इंटरफेस आ स्काडा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से चलता है। पहला तो ये है कि हाँ ये भी ये डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा, ये क्या एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और क्या है माइक्रो प्रोसेसर के एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, जैसे कि मेमोरी हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, एक तरह का इसमें ब्रेन होता है। देयर मेन फंक्शन इज इंटरफेस अ स्केडा। इसका जो मेन जो हम RTUs का यूज़ करते हैं जिसके नाम से भी पता चले रिमोट टर्मिनल यूनिट, ये जो रिमोट साइट पर जो भी हमारे सेंसर्स हैं, हमारे जो भी हमारे चीज़ें हैं, जो वेल्व की इंफॉर्मेशन जो भी, तो उस इंफॉर्मेशन को ये हमारे स्केडा तक लेके जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले भी दिखाया था क्या कर रहा है, यहाँ ये PLC है, ये RTU है, RTU क्या कर रहा है यहाँ इन दोनों बीच में कनेक्शन हमें दे रहा है। तो आगे देखते हैं क्या ये सिस्टम विद वट एवर ऑब्जेक्ट और सेंसर द RTUs आर कनेक्टेड टू टिपिकली दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बाय वायरलेस कम्युनिकेशन एंड आर कंसिडर बेस्ट फॉर फंक्शन कवरिंग अ ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया। तो ये बहुत बड़ी जैसे कि बहुत हमारा बहुत बड़ा प्लांट है, तो इसके अंदर RTU का RTU के हेल्प से हम बहुत दूर से भी हम अपने मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंट्रोल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्केडा के जरिए हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये क्या है दोनों के बीच में कनेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो भी कौन सा वायरलेस। अब थोड़ा देख लेते हैं यार PLC क्या, PLC भी काफ़ी लोगों के मन में क्या, PLC भी तो वही चीज़ है यार, सेम चीज़ वही कर रहा है, बट देखते हैं इसके नाम से थोड़ा देखते हैं क्या। RTU क्या था रिमोट टर्मिनल यूनिट और PLC क्या था हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। तो कंट्रोलर याद रखना है यहाँ पे, कंट्रोलर मतलब ये कंट्रोल कर रहा है इसे स्केडा की, ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम बड़ा ऑटोमेशन यूज हो स्केडा हम यूज़ करते हैं, बट कई जगह पे सिर्फ PLC का यूज़ किया जाता है ओनली फॉर ऑटोमेशन पर्पज। तो यहाँ देख लेते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ऑन द अदर हैंड आर आइडियल फॉर सिचुएशन वेयर यू वॉन्ट मोर लोकल कंट्रोल। जहाँ पर भी मुझे लोकल कंट्रोल चाहिए, मान लीजिए कि मैं कोई मशीन है, उस मशीन के अंदर मुझे कुछ ऑपरेट कराने, मान लीजिए मैं पिस्टन है, मैं चाहता हूँ पिस्टन में कुछ टाइम बाद ये आगे जाए फिर ये पीछे जाए, कुछ डिले आए, तो मैं इस ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा जिसे समझ आए कि हाँ। तो इस चीज़ ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसे कंट्रोल करना तो मैं स्केडा की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा PLC का यूज़ करूँगा, लेडर लॉजिक का इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है हम ज़्यादातर जानते ही हैं, तो इसके ज़रिए मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आर आइडियल फॉर सिचुएशन वेयर यू वांट मोर लोकल कंट्रोल सच एज फैक्ट्री सेटिंग, PLC आर एसेंशियल डिजिटल कंप्यूटर एंड आर स्पेशली डिजाइन फॉर आउटपुट अरेंजमेंट एंड मल्टीपल इनपुट। तो PLC की एक बहुत अच्छी खासियत है कि यार इसके अंदर बहुत सारे इनपुट होते हैं और हम इसमें और भी मॉड्यूल जोड़ जोड़ के इसमें हम और मोर और ज़्यादा पेचीदा जितने भी ऑटोमेशन वो भी हम इसमें परफॉर्म करा सकते हैं। इसमें मैनी इनपुट मोर आउटपुट, मतलब कि बहुत सारे इनपुट्स भी पिन होते हैं और आउटपुट पिन भी होते हैं अलग अलग प्रोसेस करने के लिए। तो समटाइम दे आर यूज इन प्लेस ऑफ RTUs बिकॉज ऑफ देयर वर्सेटिलिटी। इसके वजह से पर्सनली मतलब इसका मतलब ये कि इसमें यार बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। हम PLC को हम RTUs की जगह पे भी यूज़ करते हैं क्योंकि यार इसमें बहुत सारी और अदर फंक्शंस होते हैं। हाउएवर यू मे नीड टू हैव सम प्रोग्रामिंग स्किल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ देम। तो इसके लिए आप प्रोग्रामर PLC स्काडा का कोर्स होता है, तो इसके अंदर क्या लैडर लॉजिक या और भी मतलब अलग डिफरेंट टाइम या डिफरेंट मॉडल के अलग तरह की प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है, तो वो सीखना पड़ता है। तो अब यहाँ देखते हैं जो वीडियो शुरू की है तो मैंने समझा दिया कि RTU PLC होता क्या, अब देखते हैं डिफरेंस क्या था। डिफरेंस इसके अंदर भी था पर मैं इसे खोल के यहाँ दिखा देता हूँ। RTU इज कंट्रोल्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, जिसका मेन फंक्शन है कि ये काम कैसे
किस तरीके से, मैं किस चीज़ पे ये बेस है, ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे बेस है। जो पीएलसी है ये डिजिटल कंप्यूटर पे बेस है। मान के 0 आया तो मतलब ऑफ है, 1 आया तो ऑन है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे 0 1 के फॉर्म में काम करते वैसे। द मेन फंक्शन ऑफ एन आरटीयू इज टू इंटरफेस द स्केडा टू द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट फिजिकली। तो ये मैंने उसमें भी बताया था कि ये क्या है इसका मेन फंक्शन। ये हमें सीधा वो दे रहा है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे ग्राउंड लेवल, जियो लेवल जो सेंसर्स हैं उन्हें वो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमारे स्केडा सिस्टम को डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ वायरलेस सिस्टम। पीएलसी यूज मेनली फॉर ऑटोमेटिक द इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल असेंबली लाइन्स इन फैक्ट्रीज, लाइट फिक्सचर्स, जो भी हमारे ऑटोमेशन के अंदर जो भी हमारा काम हो रहा है वो हम पीएलसी के जरिए, मतलब जरिए मैं ये नहीं कह रहा, एक ऐसा तरह, मान लीजिए पीएलसी एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम किसी भी मशीनरी को, किसी भी हमारे प्लांट के अंदर जो भी वर्क हो रहा है उसमें हम ऑटोमेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। आरटीयू इज मोर सुटेबल फॉर वाइड जियोग्राफिकल टेलीमेट्री। मतलब कि ये आरटीयू को हम ये क्या कर सकते हैं, जैसे कोई मशीन है मेरा, मान लीजिए कि बहुत दूर है, काफ़ी दूर रखा हुआ है, उसे मुझे वो कराना है, परफॉर्म कराना है, उसमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है, तो मैं काफ़ी दूर डिस्टेंस से भी इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बट जो हमारा पीएलसी है ये क्या 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 करता है, ये लोकली काम करता है, डायरेक्शन डायरेक्ट कनेक्ट होता है। आप कई मशीनों में देखेंगे जैसे कोई भी मशीन है, जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन से होती है मेनली, तो बाहर एक पैनल होता है उसमें पीएलसीज लगे होते हैं। तो पीएलसी इज बेटर विद लोकल कंट्रोल। हाँ, और इसमें ये भी कि पीएलसी यूज फॉर केबलिंग ओनली, केबलिंग होती है मेनली। दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर आउटपुट अरेंजमेंट एंड मल्टीपल इनपुट। जो पहले बताया था कि बहुत सारे इनपुट होते हैं और बहुत सारे आउटपुट भी होता है। आरटीयू यूज फॉर प्रोप्रिएटरी टूल्स। एक चीज़ मैंने ये बोला कि यहाँ हाँ कि आरटीयू क्या है, एक हमें वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बट कनेक्शन प्रोवाइड तो कर रहा है, पर और इसमें अगर मुझे एडिशनल कोई काम करना है तो इसके लिए एडिशनल चीज़ें भी इसमें मुझे अलग से मॉड्यूल अटैच करना पड़ता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। अब ये यूजेस वायरलेस कम्युनिकेशन, डज नॉट सपोर्ट कंट्रोल लूप एंड कंट्रोल एल्गोरिथम। ये सब, ये कंट्रोल लूप भी कहते हैं, जो लूप जो होता है मैम, फीडबैक सर्किट भी सपोर्ट नहीं करता। पीएलसी इज बेटर विद लोकल कंट्रोल। पीएलसी यूज IEC 611313। जब मैं डीपली पीएलसी के बारे में बताऊँगा तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको मैं डिफाइन करूँगा है क्या ये। और देखा जाए तो पीएलसी और आरटीयू, बट आने वाले टाइम में मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएलसी है ये मोस्ट ऑफ द जो हमारे आरटीयू के काम है ये कर देता है। क्योंकि आज के डेट में जो पीएलसी है ये लैडर लॉजिक और भी तरह की प्रोग्रामिंग पे वर्क कर लेता है, और भी इसमें मॉडिफिकेशन करके। हम ये नहीं कह सकते कि यार आरटीयू सिर्फ वायरलेस पे काम करता है, आज के टाइम पे पीएलसी भी वायरलेस सिस्टम पे काम करता है अलग अलग। ये हम वैन लैन के जरिए, और ये इजी हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। तो यार प्लीज़ लाइक शेयर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है।